क्वेश्चन नंबर 9 को बच्चों ध्यान से देखेंगे अपन लोग। यहाँ पे 9 में है, इन विच केस स्टेट ऑफ हाइड्रेशन इज चेंजिंग। ठीक है, कि मतलब ऐसा है कि कौन सा रिएक्शन आपका ऐसा है, ठीक है, बेसिकली रिएक्शन से नहीं है, बहुत सिंपल सा स्टेप दे रखा है। इसमें चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका ऐसा होगा जहां पे बेटा जो हाइड्रेशन होता है, ठीक है, यस, कार्बन का जो हाइड्रेशन है या बाकी जो एटम्स यहाँ पे दे रखे हैं उनका जो हाइड्रेशन है वो आपका कहाँ पे चेंज हो रहा है, मतलब बेसिक बात यही करी जा रही है। ठीक है, तो हम बिल्कुल हम निकालेंगे बेटा, हमारे पास दो ही कैटेगरी थी हाइड्रेशन को डिफाइन करने के लिए। एक बच्चों ये थी कि बेटा न्यूट्रल एटम होना चाहिए, और दूसरा केस हमारे पास था कि बेटा हमारे पास चार्ज एटम हो। चार्ज एटम होता है तो उस केस में हम लोग क्या फॉलो करते हैं, लोन पेयर्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालने के लिए क्या बच्चों फॉलो करते हैं, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर फॉलो करते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज को वन लोन पेयर हम लोग काउंट करते हैं, ये बात ध्यान, पॉजिटिव का मतलब कोई लोन पेयर नहीं। ठीक, और अगर न्यूट्रल एटम है तो फिर आप वहां पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर सकते हो। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो और उसके बेस पे हम लोग आंसर निकाल पाएंगे, ये तो बेसिक रूल है। चलो अप्लाई करते हैं। देखो फर्स्ट में देखते हैं ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन के अंदर आपको देखो यहाँ पे दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। आप चेक करो दोनों ही बेटा कार्बन कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, 4 सिग्मा मिलेंगे, चार्ज नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसके बाद जो रिएक्शन यहाँ पे हुई है वहां बच्चों बोला गया कि H+ आयन और इक्विलिब्रियम को शो किया गया, और यहाँ पे फिर लिखा गया है CH3 और ये आपका CH2-। आप जरा चेक करो क्या यहाँ पे हाइड्रेशन बच्चों चेंज हुआ होगा। देखो ये कार्बन 4 सिग्मा मिल जाएंगे, sp3 हो जाएगा। इस कार्बन के साथ बात करो चार्ज है, तो चार्ज का मतलब इसको इस तरीके से लिख लो, 2 हाइड्रोजन है, एक आपका नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, बिल्कुल समझो ध्यान से, एक आपका नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब तीन, जो हम चार्ज स्पीसीज की लेते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। नेगेटिव चार्ज का मतलब बच्चों वन लोन पेयर होता है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, अभी भी बच्चों 4 है, 4 का मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मतलब पहले ऑप्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है ऑल आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, ए ऑप्शन क्रॉस। बी ऑप्शन को चेक करते हैं, ध्यान से देखते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन के अंदर बच्चों दे रखा है CH3CH3 कार CH3CH3। आप चेक करो बोथ आर न्यूट्रल, इफ बोथ आर न्यूट्रल तो बेटा दोनों के दोनों sp3 हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ भी आपके 4 सिग्मा, यहाँ भी 4 सिग्मा है। लेकिन जरा इधर आप चेक करो, यहाँ पे उसने H- लिख के दे रखा है, हमें H- के बारे में नहीं भी आइडिया है तो कोई बात नहीं, जो आपको दे रखा है प्रोडक्ट उस पर ही फोकस कर लो सीधा। यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH2+ है, प्लीज बच्चा फोकस करना, इस पे 4 सिग्मा मिल जाएंगे आपको, ये sp3 हो जाएगा। इसकी जरा बात करो, उसको मैं नीचे यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखो बेटा ध्यान से, ये कार्बन, इसके पास एक सिंगल बॉन्ड इधर होगा, 2 हाइड्रोजन होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब बच्चों लोन पेयर नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। जरा चेक करो कितने बॉन्ड पेयर है, 3 सिग्मा है, लोन पेयर कितना है, 0 है, 3+0 का मतलब 3, तो ये कोई sp3 नहीं होगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो आपने देखा कि यहाँ दोनों कार्बन sp3 थे, यहाँ पे एक कार्बन sp3 हो गया, एक sp2 हो गया है, हाइड्रोजन चेंज हुआ है, तो बी ऑप्शन हो सकता है। हम नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक करते हैं सी ऑप्शन की तरफ। बेटा बात समझ में आ रही है सभी को, यस निरांत, ओम ओम आपका डाउट था, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखो, तो बी ऑप्शन आपका हो सकता है, इसे सर्कल कर लेते हैं, सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखते हैं। सी ऑप्शन बेटा दे रखा है आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2, प्लीज फोकस करो। देखो दोनों बच्चों कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, ये भी कार्बन sp2 होगा, ये भी कार्बन sp2 होगा, बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से। देखो लो बेटा, सिग्मा पाई काउंट करना आता है, ये तो मैंने आपको बहुत पहले ही सिखाया है। ठीक है, यस, एक सिग्मा एक पाई, यहाँ सिग्मा सिग्मा, तो बेटा ये न्यूट्रल है तो हम सिर्फ सिग्मा काउंट करते हैं, हाइड्रेशन का मतलब सिग्मा, पाई नहीं। ठीक है, यस, तो 1 2 3 3 सिग्मा 3 सिग्मा का मतलब sp2। इसके सामने बच्चों यहाँ पे एरो बना के दे रखा है, यहाँ पे H+ आयन, मुझे इससे लेना देना नहीं है, क्या बन रहा है उस पर देखना है। यहाँ से CH2 है, डबल बॉन्ड है CH-, ये दे रखा है, आप ध्यान से देखना बेटा, समझ में आएगा। यहाँ पे ये तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि सर ये जो है ना, ये आपके इसके पास 2 हाइड्रोजन है, 2 सिग्मा इधर, 1 सिग्मा डबल बॉन्ड मिल जाएगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। तो इसको भी चेक करो, इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, कार्बन इधर डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लोन पेयर, चार्ज आ गया ना,
तो चार जाने का मतलब रूल्स बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। जल्दी से मजाओ, यहाँ पे कितने बच्चों बॉन्ड पेयर, एक सिग्मा एक दूसरा सिग्मा, पाई काउंट नहीं करते ना, तो दो आपके बॉन्ड पेयर। हाउ मे लोन पेयर, वन लोन पेयर, टू प्लस वन मिला दो थ्री, और थ्री का मतलब बच्चों आपको पता है क्या होता है, एसपी टू होता है। तो बताओ मुझे क्या हाइड्रेशन चेंज हुआ, यहाँ भी एसपी टू था, ये भी एसपी टू था, ये भी एसपी टू रहा, ये भी एसपी टू रहा, क्या हाइड्रेशन चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो आपका सी ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन काफी ठीक था। डी ऑप्शन पे आते हैं, तो डी ऑप्शन में आप ध्यान से जरा ऑब्जर्व करो, डी ऑप्शन में दे रखा आपको सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी, राइट, यहाँ पे एच, और उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है एच प्लस आयन, इसको लेने देना नहीं है। यहाँ चेक करो, ये बच्चों देखो ट्रिपल बॉन्ड की जब बात करी जाती है तो आपको पता है कि यहाँ पे एक सिग्मा तो बीच में मिलेगा, एक सिग्मा हाइड्रोजन के, ये एसपी हाइब्रिडाइज्ड, ये भी एसपी हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, एन इज इक्वल टू टू मिलता है। अब बना क्या है प्रोडक्ट बच्चों, सी एच ट्रिपल बॉन्ड और आपका कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यही दे रखा है। तो देखो ये तो बच्चों एसपी हाइब्रिडाइज्ड होगा, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। इसको चेक करो, कार्बन दे रखा है, ट्रिपल बॉन्ड इधर, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब बेटा चार्ज स्पीसीज है। तो फिर इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू हाउ मेनी बॉन्ड पेयर, ऊपर पाई नीचे पाई बीच में सिग्मा, तो एक सिग्मा मतलब एक बॉन्ड पेयर हो गया है। लोन पेयर कितना, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक लोन पेयर, वन प्लस वन मिला के टू होता है, और टू का मतलब बेटा एसपी हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसका मतलब आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ सभी को, बताइए बच्चों, एक्सप्लेनेशन इज क्लियर, परफेक्ट, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था क्वेश्चन नंबर 10, इन विच केस स्टेट ऑफ हाइड्रेशन ऑन ईच एटम इज रिटेन्ड, रिटेन्ड का मतलब बेटा सेम रहती है, ठीक है, जो आपको रिएक्टेंट के साइड में हाइड्रेशन दे रखा है कार्बन का, वही प्रोडक्ट के साइड में भी आपका होना चाहिए। नॉट ओनली कार्बन, रिएक्टेंट साइड में जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनका जो हाइड्रेशन रिएक्टेंट की साइड में होना चाहिए, वही आपका हाइड्रेशन बच्चों कहाँ होना चाहिए, प्रोडक्ट के साइड में आपका सेम हाइड्रेशन होना चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से, क्लियर, ये है क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। तो जरा देखते हैं हम लोग ऑप्शंस वाइज कि कहाँ पे आपका जो कॉन्फ़िगरेशन, जो आपका जो हाइड्रेशन है वो आपका सेम रहेगा। तो पहला ऑप्शन पे आते हैं, फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ बच्चों उसने लिखा है सी एच टू डबल बोन सी एच टू प्लस, उसने लिखा है एच प्लस साइन, एच प्लस साइन बच्चों एसिडिक मीडियम है, इससे लेना देना नहीं है आपको। आपका यहाँ से सी एच थ्री सिंगल बोन सी एच टू प्लस, ठीक है, आपको यहाँ से और यहाँ से चेक करना है, आप निकालो जल्दी से, अभी रूल से मैं आपको बता ही चुका हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ बच्चों क्या पहले केस में हाइड्रेशन सेम रहेगा, देखो बेटा इसका तो हाइड्रेशन एसपी टू होगा, डबल बॉन्ड वाला न्यूट्रल है ना, ये भी एसपी टू होगा, सिर्फ सिग्मा काउंट कर लो। अच्छा इसके जरा आ जाओ, यहाँ पे हाइड्रेशन क्या हो जाएगा, ये आपका एसपी थ्री, फोर सिग्मा मिल जाएंगे सीधे एसपी थ्री, जरा इसको बना के देखते हैं, यहाँ से आपका आंसर क्या बनेगा, कार्बन है इसके पास दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा, मतलब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन पेयर निकालते हैं लोन पेयर पॉजिटिव का मतलब लोन पेयर नहीं होता है, ठीक है, नेगेटिव का, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है। तो यहाँ पे आपके लोन पेयर्स कितने हो जाएंगे, जीरो, बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, थ्री, तो आपका थ्री, और थ्री का मतलब बच्चों होता है एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड। तो आप चेक कर लो, यहाँ तो बेटा कन्फ्यूजन आप यहाँ पे जो आपका हाइड्रेशन वो बदल गया है, ये एसपी टू से एसपी थ्री, देर एसपी टू से एसपी टू बना रहा, लेकिन एक तो बदल गया ना ये वाला एसपी टू से एसपी थ्री, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, उसने बोला रिटेंड होना चाहिए, मतलब ये नहीं है, ए ऑप्शन इज रॉन्ग, बी ऑप्शन पे आते हैं, ये बी ऑप्शन है, ध्यान से देखेंगे बी ऑप्शन को। तो ये तो इसमें आप ना स्ट्रक्चर को बना के देखा करो, मैंने हमेशा बोला है आपसे कि जब भी आपको कोई चीज कंफ्यूज करे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर को बना के देखो, आपका आधा सॉल्यूशन तो वहीं से हो जाएगा। ये देखो लोन पेयर, अरे आपको ये तो पता है ना कि नाइट्रोजन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बस बाकी तो आसान है बेटा। अब इसके सामने यहाँ पे दे रखा है एच प्लस आयन, और यहाँ से आपका जो बना स्ट्रक्चर है ध्यान से देखो, और ये बेटा हो गया यहाँ से सी डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे दे रखा है नाइट्रोजन, और इसके पास है पॉजिटिव चार्ज, और दो है इसके पास हाइड्रोजन। अब चेक करके देखो जल्दी से, क्या बच्चों यहाँ भी रिटेंड है, चेक करते हैं। देखो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, रिंग में कोई चेंज नहीं है, छोड़ दो, इस कार्बन पे आ जाओ, ये कार्बन देखो बच्चों कैसा होगा, एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड, एसपी टू होगा ना, डबल बॉन्ड एक आ गया है तो तीन ही सिग्मा बचेंगे, तो ये एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड है। अच्छा इस नाइट्रोजन की बात करी जाए तो बच्चों देखो एक लोन पेयर है, तीन आपके यहाँ से बॉन्ड पेयर है, तो आप बोल सकते हो कि सर ये एसपी थ्री हाइब्रिडाइज्ड है अभी, ठीक है, ध्यान दो ये आपका एसपी थ्री हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक, इधर आते हैं, रिंग में कोई चेंज हुआ नहीं, छोड़ दो, इस कार्बन की बात करी जाए तो बच्चों ये एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड होगा,
इस नाइट्रोजन की तो बात कर लो, यहाँ पे 3 सिग्मा आपको मिलेंगे। ध्यान दो ना, वो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ना आपको, मेरी बात समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। बताओ बच्चों, यहां तक बात क्लियर हो रही है? ठीक है, यस। यहाँ पे लोन पे लिखा नहीं गया लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, वो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है, मतलब लोन पे गायब हुआ होगा। इसका मतलब बेसिक मतलब ये है। अब वो कैसे बना है उस पर जाने की जरूरत नहीं है, आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट को सिर्फ सर्च करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा देख रहे हैं, चार्ज है ना नाइट्रोजन के पास 3 सिग्मा, मतलब 3 आपके बॉन्ड पेयर है। तो ये क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, इक्वल टू 3। तो यहाँ भी आपका रिटेंट रहा का, ये तो चेंज हो गया ना, नहीं। तो ये भी आंसर नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, और एज वेल एज बच्चों आपका यहाँ से ए भी नहीं होगा। सी देखते हैं जरा, सी में क्या हो रहा है। सी देखो, आपका एक नेमिंग रिएक्शन का पार्ट है ये, ठीक है, यस। यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा इसको। यहाँ पे सोडियम दे रखा है, वर्च रिडक्शन, एक बच्चों आता है वर्च रिडक्शन, ठीक है, मेटल्स की प्रेजेंस में लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं, वर्च रिडक्शन, ठीक है। मैं डिस्कस करूंगा इसको, आपको जरूर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा अच्छे से इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। अभी समझो, यहाँ बच्चों सोडियम का यूज किया गया है इन दी प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, और यहां से बच्चों आपका बना दिया गया है हाफ ऑफ का H2 गायब हुआ है, वो तो गैस की फेज में बाहर चला जाएगा। प्लस इसने लिखा है यहाँ से एक सॉल्ट लिखा है, सोडियम एसिटिलाइड लिखा है, ठीक है, यस। तो मतलब यहाँ से CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे आपका पॉजिटिव, ठीक है, ये आपको दे रखा है। अच्छा, या फिर सोडियम एल्कनाइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे सोडियम एल्कनाइड में आप एसिड है, 2 कार्बन का है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो। अच्छा, अब चेक करो, ये आपको यहाँ पे रिएक्टेंट दे रखा है, ठीक है। तो इसका बेटा हाइड्रेशन निकालो जरा, क्या होगा दोनों का, तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, बहुत सही है। ध्यान से देखो, और इस पे आते हैं, ये कार्बन कैसा है, sp हाइब्रिडाइज्ड ही होगा बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है। अच्छा, ये कार्बन कैसे होगा बेटा, यहाँ तो आपका एक आयोनिक बॉन्ड होगा ना, आयोनिक बॉन्ड का मतलब कोई हाइड्रेशन थोड़ी नहीं होता है, हम कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ बात करते हैं, तो उसको तो छोड़ दो। अच्छा, इधर आ जाओ, यहाँ पे है कार्बन, इधर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, चार्ज बेटा दे रखा है। तो जरा ध्यान से निकालो, ये sp है कि sp2 है। तो यहाँ पे एक लोन पेयर नेगेटिव चार्ज का मतलब 1 लोन पेयर हो गया है, और सिग्मा, एक सिग्मा ऊपर पाई, नीचे पाई, बीच में सिग्मा, तो एक आपका ये हो गया है 1 और 1 मिला के 2। 2 का मतलब ये कार्बन भी आपका sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। अरे बताओ बच्चों, 3 का मतलब sp2 होता है, तो इसका मतलब देखो ये भी sp है और ये भी दोनों sp है, कोई चेंज नहीं हुआ है, तो सी ऑप्शन हो सकता है। लास्ट लगा है बच्चों bnc, तो आपको पता है कि बी तो हुआ ही नहीं था, तो फिर कैसे आपका डी हो जाएगा, तो सही ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन। समझ में आया सभी को, बताओ एक बार। चलो गुड, तो बच्चों चलते हैं अपन थायो एल्कोहल्स की तरफ, ठीक है, SH रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग SH से इसको, ठीक है। इसके लिए हम लोग जो प्रीफिक्स यूज करते हैं, मैंने कल आपको बताया था, दिस इज दी मरकैप्टो, ठीक है, और ये जो प्रीफिक्स है ना बेटा, ये आपका प्रीफिक्स सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स है, ठीक है। और सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स का मतलब बच्चों यही है कि आप मरकैप्टो तभी यूज कर सकते हो जब SH के कंपैरिजन में कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला फंक्शन ग्रुप आपको चेन में दे रखा हो, तो उस केस में इसको हम प्रीफिक्स में ही डालेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सफिक्स इसका बच्चों क्या होता है, वो तो आपको पता है, थायोल, ठीक है, थायोल हो जाएगा बच्चों इसका आपका सफिक्स, और सफिक्स भी बच्चों सेकेंड डिग्री। लेकिन सफिक्स बच्चों थायोल का भी यूज करना है जब आपका सिर्फ यही फंक्शन ग्रुप जेन के अंदर दे रखा हो और यही आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी के अंदर डिफाइन किया गया हो, ठीक है। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं, एक सिंपल से क्वेश्चन से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यस, क्वेश्चन लिया है बच्चों मैंने कुछ इस तरीके से, यहाँ पे SH है और एक SH यहाँ पे। चलो, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट किया मैंने, 2 SH लगा के आपको दिए हैं, ध्यान से सॉल्व करो। फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, AI ट्रिपल का क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, AI ट्रिपल का क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको। हाँ, क्या होगा इसका नाम, तो बेटा देखो प्रिंसिपल चेन आपको देखनी पड़ेगी, प्रिंसिपल चेन तो आप किधर से भी चेक कर लो बेटा, 4 कार्बन की ही मिलेगी, ठीक है, मतलब ये यहां से स्टार्ट होगा और ये 4 कार्बन बीच वाले, देखो 1 2 3 4 दिख रहा है आपको, यहाँ से 1 कर लो, ये 2 कर लो, ये 3 कर लो, ये 4 कर लो, 4 की आपको चेन देख रही है। तो क्या किया जाए इसमें, तो बेटा वर्ल्ड रोड तो आपको पता है कि सर ब्यूट आने वाला है, ये तो बात कंफर्म है। फिर इसके बाद आपका 1 डिग्री सफिक्स क्या आता है, नेचर बॉन्ड ऑल आर सिंगल बॉन्ड, तो बच्चों ANE आएगा प्लस। इसके बाद में पता है कि बेटा 2 आपको सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं और
आपको पता है कि इसको हम लोग डाई थायोल करके लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने एल्कोहल को डाईऑल लिखा था, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे डाई थायोल। अब इसकी पोजीशंस भी अगर आपको देनी है तो आप यहाँ पोजीशन दे सकते हो, नहीं तो बेटा एक अच्छा ऑप्शन ये होता है कि आप ब्यूट के पहले पोजीशन दे दो, तो 1.4-1.4 देन हाइफन, देन आपका यहाँ पे आ जाएगा ब्यूटेन, और ब्यूटेन के बाद बच्चों आएगा आपका डाई और आपका थायोल। क्या सभी को बात समझ में आई? या 1.4 आप यहाँ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, डाई के बाद भी दे सकते हो, ठीक है, पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, लेकिन बेस्ट ऑप्शन आप यहाँ भी दो, तो चाहे यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो, बोथ आर करेक्ट, कोई भी चेंज नहीं होगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ बच्चों जल्दी से। यस, क्लियर हुआ बच्चों? आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया बच्चों मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे। कुछ ऐसा यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर लगाया मैंने, यहाँ पे एस एच थायो एल्कोहल, थायोल वाला सेक्शन, बाकी ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे। सॉल्व करो क्या होगा ये जल्दी से, मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। देखो बच्चों है ना, क्वेश्चन बिल्कुल एकदम आसान से था। हाँ, इसमें आपको सबसे पहले वही काम है, सिलेक्शन और आपका नंबरिंग, तो आप किधर से करना चाहोगे बताओ जल्दी से। यस, तो सबसे पहला काम तो आपका वही सिलेक्शन है, और सेकंड काम आपका नंबरिंग है। आप सिलेक्शन तो कर लोगे आराम से, कि बच्चों यहाँ से स्टार्ट होगा, और आपका ये जो एस एच वाला पार्ट है, ये कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शन ग्रुप तो है नहीं, ये तो आपका सिलेक्शन हो गया, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी का कोई आपका फंक्शन ग्रुप तो है नहीं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अगर आपने इसको थायोल यूज किया है, ध्यान दो, अगर आपने इस एसएस को थायोल यूज किया है, जैसे बहुत सारे बच्चे इसको मरकैप्टा भी बोल सकते हैं, बिकॉज वो सोचेंगे कि सर सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन ग्रुप आता है, उसके बाद सर मल्टीपल बॉन्ड आता है, और मल्टीपल बॉन्ड के बाद सब्स्टिट्यूएंट आता है, तो सुनना कुछ बच्चे इसको किस किस तरीके सॉल्व करते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर जो एसएच है ना वो फंक्शनल ग्रुप है, अगर एस एच फंक्शनल ग्रुप है तो इसको हम हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, और अगर बच्चों एस एच अगर आपको फंक्शनल ग्रुप ट्रीट नहीं किया है, एस एच को अगर अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, अगर ऑप्शन के अंदर एस एच को उसने मरकैप्टा यूज किया, जो प्रीफिक्स यूज किया है, तो उसने सब्स्टिट्यूएंट्स यूज किया होगा, तो फिर मल्टीपल बॉन्ड की तरफ हम लोग ट्रेवल करेंगे। एक बात समझ लो ध्यान से, अगर गिवन ऑप्शन के अंदर बच्चों मरकैप्टा उसने वर्ड यूज किया है, और ये बात समझ लो अच्छे से, एस एच की प्रायोरिटी बहुत बच्चों क्या मैक्सिमम होती है, क्या बताओ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है? आपको पढ़ा चुका हूं मैं, अरे आपको पढ़ा चुका हूं, बताओ बच्चों एस एच की प्रायोरिटी क्या आपके डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से हाईएस्ट होती है? एल्किन और एल्काइन से, एल्किन एल्काइन बोल रहा हूँ, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वो मत समझ लेना जो साइनाइड वाला बताया था और एल्डिहाइड कीटोन वाला बताया था, बताओ। यस भाई, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड आया था ना, और वहां पे एस एच ओ एच आपके अमाइंस आए थे ना, ये आपको मैंने बताया था, नाइट्रो को छोड़ दो, हेलोजन्स को छोड़ दो, वो लीस्ट प्रायोरिटी होते हैं, वो सब्स्टिट्यूएंट्स ही होते हैं, वो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हमेशा, मैक्सिमम केस में 99.9% केस में एस एच आपका यहाँ पे जैसे एल्कोहल होता है वैसे एस एच होता है, तो इसकी भी प्रायोरिटी होती है ठीक ठाक बच्चों, मतलब ये फंक्शन ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो आयोपैक का सही आंसर यही बनेगा कि आपका वहां पे एस एच को आप फंक्शन ग्रुप को ही ट्रीट करो, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट नहीं करो, बाकी बच्चों मल्टीपल बॉन्ड की कहानी आती स्टार्ट होगी, तो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ये बात समझ में आ गई? सबस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से रहेंगे, एक तो आपके हेलोजन वाले सेक्शन पहले मैंने हिंट कर दिया, प्लस आपका नाइट्रो वाला, अभी तक आप यही समझो, इसको और आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो, अब इसके नंबरिंग किधर से करी जाए। यस, कुछ बच्चों ने इसको लेफ्ट साइड बोला है, कुछ बच्चों ने इसको राइट साइड बोला है, तो चलो मैं स्टार्ट करके देखता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ध्यान दो ठीक। 1 पे क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड, इधर इधर अगर मैं सॉरी 1, इस 1 पे क्या है मिल रहा है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड। अब बताओ क्या किया जाए, नंबरिंग किधर से करी जाए? आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे आपको 1 पे ट्रिपल बॉन्ड मिल गया है, और यहाँ पे 1 पे आपको डबल बॉन्ड मिल गया है, ठीक है, उसके बाद हम आगे भी चलते हैं, देखते हैं एक बार, यहाँ पे 2, 3, 4, इधर से 5, ये 6 और आपका 7, इधर से आएंगे तो ये 1 हो जाएगा, नेक्स्ट आपका यहाँ से ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6, ये 7, ठीक है। और एस एच बच्चों कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला फंक्शन ग्रुप तो है नहीं,
जो आप बिल्कुल इसको इस तरफ से मूवमेंट लेके जाओ, ये आपको मैं जो समझा रहा हूँ ये जो पॉइंट, आप इस तरफ से मूवमेंट लेके जाओ, तो ये तो आप मतलब आप ये समझो कि अगर आपने यहां से किया तो गलत गलती हो गई थी, क्यों? क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड समय अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड को बंद दे दिया तो बच्चों फिर दिक्कत हो जाएगी ना। ये तो हम पता है क्या बात कर रहे हैं कि जब सेम टाइप के सब्सिट्यूएंट सेम पोजीशंस पे होते हैं, जब सेम टाइप के सब्सिट्यूएंट सेम पोजीशंस पे होते हैं तो फिर आप अंदर की तरफ मूव करते हैं, ये भी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब ये भी समझो कि मल्टीपल बॉन्ड अगर सेम पोजीशंस पे आ जाते हैं तो भी हम अल्फाबेटिकली फॉलो करते हैं, क्यों? क्योंकि बन पे यहाँ पे ट्रिपल डबल बॉन्ड आया, यहाँ बन पे आपका ट्रिपल बॉन्ड आया, ईएनई आपका ट्रिपल बॉन्ड ईएनई से स्टार्ट है, ट्रिपल बॉन्ड बाईएनई से स्टार्ट है, तो हम बताओ किधर से स्टार्ट करें? अल्फाबेटिकली फॉलो करेंगे ना। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बताओ सभी लोग। तो वन आपका ये हो जाएगा, देन आपका टू, बिल्कुल क्लियर, समझ में आया सभी को? अच्छा अब इसका आप नॉमेक्लेचर कर लो जल्दी से, भाई सेम पोजीशन पे आ गया ना तो अल्फाबेटिकली जाएंगे ना, रूल तो यही कहता है, ठीक है। अब देखो कुछ जगह इसको गलत तरीके से लिखा गया है, वो मुझे नहीं पता किस तरीके से क्यों लिखा है ऐसा, ठीक है, लेकिन जो रूल से मैं उसी पे डिपेंड रहूंगा। तो हमारा फिर आंसर देखेंगे तो बच्चों क्या होगा, इसमें टोटल बेटा कितने कार्बन हो गए हैं? सेवन। सेवन का मतलब हो जाएगा है फन डिग्री सफिक्स। नेचर ऑफ बॉन्ड बच्चों कैसा है? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब बच्चों वन पे हो जाएगा। अब वन कॉमा सिक्स करके लिख सकते हो एक साथ, 1.6 और यहाँ पे आपका हाइफन और आपका ये इन आयन, एक साथ आप मिला के इसको लिख सकते हो, ठीक है। अगर बेटा हम सफिक्स की बात करें तो अगर इसको इसको मैंने फंक्शन ग्रुप ट्रीट किया है, बिल्कुल बेटा एल्कोहल की तरह ही होता है, तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे थायोल, और किस पे लगा है? फाइव पे। फाइव पे आपका हो जाएगा यहाँ पे थायोल, ठीक है। अगर मैं प्रीफिक्स की बात करूँ तो कुछ दिख रहा है आप लोगों को? कुछ नहीं दिख रहा है, तो प्रीफिक्स को बच्चों एज इट इज हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ सभी लोग क्लियर है? तो ये आंसर आपका सही होगा, बहुत सही। नेक्स्ट बेटा इसके बाद कुछ और मैं एग्जांपल्स आपको करूंगा शेयर, आप देखना। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अमाइंस को लेके, NH2। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, इसके लिए बच्चों प्रीफिक्स क्या होता है? ये जो प्रीफिक्स बच्चों हम बात कर रहे हैं सेकंड डिग्री प्रीफिक्स, और जो हम लोग सफिक्स बात करेंगे वो भी आपका सेकंड डिग्री ही होगा। प्रीफिक्स बच्चों क्या होता है इसके लिए? अमीनो, ठीक है, प्रीफिक्स इज द अमीनो। और सफिक्स के बच्चों बात करते हैं तो आता है अमाइन, ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो चलते हैं इसके नॉमेनक्लेचर की तरफ, ध्यान देते हैं, अभी सब मिक्स करके भी पढ़ेंगे, जल्दी से लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ बच्चों मैंने कुछ एग्जाम्पल, यहाँ पे डबल बॉन्ड, नेक्स्ट ये यहाँ पे लिया मैंने NH2। चलो सॉल्व करो, बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? फर्स्ट कंपाउंड, सेकेंड कंपाउंड, फिर भी दे देता हूँ आपको, यहाँ पे कुछ इस तरीके से है NH, ठीक है। अगर बेटा आप लोगों को आइडिया है वन डिग्री सेकेंड डिग्री अमाइन, तो आप ये सेकेंड क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये लॉन पेयर है, और बाकी इसके साथ यहाँ पे कुछ इस तरीके से दो क्वेश्चन है। यस कोशिश करो, 10 सेकंड में फिर से देता हूँ, बताओ आंसर। देखो बच्चों सबसे पहले काम तो ये सिलेक्शन, तो सिलेक्शन में तो कोई डाउट है ही नहीं आपको। बाकी आप ये देख लो अमाइन NH2, इसकी भी बेटा काफी ठीक ठाक आपकी प्रायोरिटी में आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको ये पता है कि बेटा इसकी प्रायोरिटी काफी ठीक है, तो आपको इसको फंक्शन को ट्रीट करना पड़ेगा, और फंक्शन को ट्रीट करना पड़ेगा तो नीचे अगर अमाइन बचो, ये अमाइन सीधा यहाँ से लगा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कर लेते, लेकिन बच्चों नीचे ब्रांचिंग दे रखी है, ये कार्बन इसके साथ है अमाइन के साथ, तो यहाँ से इसको हम वन बोल सकते हैं, ठीक है, ये वन हो सकता है, यहाँ से टू हो सकता है, फिर आपका थ्री, यहाँ से फोर, यहाँ से फाइव, ठीक है, ये सभी को बात समझ में आ रही है, क्लियर? अच्छा अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, देखो नंबरिंग इधर से बच्चों कभी नहीं होगी, क्यों? वन टू एन थ्री, ठीक है। ऐसे बहुत से बच्चे सोच सकते हैं कि सर मैं ये नंबरिंग मैं नहीं करूंगा, मैं तो नंबरिंग इस टाइप से करना चाहता हूँ, तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड नीचे इस तरीके से, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये आपका जो आंसर होगा ना वो गलत होगा, क्यों? आप फंक्शन ग्रुप को टर्मिनेटिंग पे नहीं डाल सकते, आप CH2 NH2 को एज ए स्पेशल स्पेशल सब्सटेंट मान सकते हो, स्पेशल सब्सटेंट्स को जो नाम होगा वो मिथाइल आपका अमीनो हो जाएगा, ये बात समझ लो, मिथाइल अमीनो, ये मैंने डिस्कस भी किया था आपको, ठीक है, स्पेशल जो आपके प्रीफिक्स होते हैं, अगर गिवन ऑप्शंस के अंदर, गिवन ऑप्शंस में अगर वो मिथाइल अमीनो दे रखा है तो हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर यहाँ पे देखो कि अगर आप नंबरिंग यहाँ से करोगे तो फिर कैसे बनेगा? वन टू थ्री, ना तो कोई डबल बॉन्ड ना कोई ट्रिपल बॉन्ड, सारी सिंगल बॉन्ड है, इधर से कोई नंबरिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपका जो नंबरिंग का जो रूल्स होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा, भाई फंक्शन ग्रुप से स्टार्ट करो, बेसिक सा पार्ट यही है, और चार ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, आपको पहचानने में आसानी होगी, ठीक
जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उनको किया करो, है ना, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो नहीं बने बताऊंगा। 1 2 3 यहाँ से हो जाएगा और आपका ये हो जाएगा 4 5, ठीक है, 4 and 5। अच्छा इसमें आप देखो बेटा, तो आपको 5 कार्बन मिल रहे हैं, 5 का मतलब क्या हो जाएगा, पेंट, ठीक है, पेंट वर्ल्ड रूट, प्लस आपका नेचुरल बॉन्ड का ENE, तो आपका 3 पे हो जाएगा ENE, ठीक है। NH2 लगा है 1 पे, तो आपका 1 पे हो जाएगा बेटा लास्ट में अमाइन, 1 पे हो जाएगा अमाइन। प्रीफिक्स का आते हैं, रिंग है नहीं बेटा, 1 डिग्री प्रीफिक्स हो नहीं सकता, सेकंड डिग्री हो सकता है, सेकंड डिग्री का मतलब बच्चों आपका रहा इथाइल, तो 2 पे लगा है इथाइल, तो हो गया इसका बिल्कुल क्लियर नाम। तो क्या नाम बेटा, 2 पे इथाइल पेंट, 3 पे ENE और 1 आपका अमाइन। कितने बच्चों ने आंसर किया था ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यस इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो आप लोगों का आया कि नहीं आया, बताओ बेटा जल्दी से। एक में ना आपको थोड़ी सी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जैसे कुछ बच्चों को 1 डिग्री सेकंड डिग्री थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, उसको मैं उन बच्चों को मैं थोड़ा बताता हूँ पहले। जैसे बच्चों देखो, यहाँ पे लिखा हमने लोन पेयर, यहाँ लिखा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल, मिथाइल, ठीक है। तो ये आपका है 1 डिग्री अमाइन, क्यों, क्योंकि बच्चों इस नाइट्रोजन के साथ ना सिर्फ एक एल्काइल पार्ट लगा है, और नाइट्रोजन के साथ बच्चों डायरेक्टली अगर एक एल्काइल पार्ट होता तो 1 डिग्री अमाइन होता है। इसका नाम बच्चों क्या होगा, तो आसान है, इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन इसका नाम होगा, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, मिथाइल अमाइन इसका नाम हो जाएगा। बात सबको समझ में आ रही है, क्लियर। अगर बच्चों में ये तो आपका 1 डिग्री हो गया, अगर मैं सेकेंड डिग्री अमाइन की बात करूं तो कैसे लिखूंगा, नाइट्रोजन, यहाँ पे CH3, दो एल्काइल पार्ट आपके डायरेक्टली अटैच होने चाहिए नाइट्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन बचेगा, तो इसका नाम क्या होगा, ये हो जाएगा आपका डाई मिथाइल और अमाइन, अरे हो जाएगा ना डाई मिथाइल अमाइन, बहुत ही सिंपल सा नाम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थर्ड डिग्री की बात करेंगे तो एक हाइड्रोजन को और बाहर निकाल दो, ACH को बाहर निकाल दो, यहाँ पे CH3 लगा देना, तो फिर ट्राई मिथाइल अमाइन, हम इस तरीके से बोल सकते हैं ना, अरे सभी को बात समझ में आ रही है, बताओ बच्चों। ये तो हुआ 1 डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री अमाइन के बारे में, है ना। उस क्वेश्चन को करने से पहले एक मैं छोटा सा और यहाँ पे एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है, आपको और थोड़ा सही से क्लियर होगा, ठीक है, ध्यान दो। मैंने बच्चों सपोज यहाँ पे एग्जांपल लिया CH3 CH एंड आपका CH3, यहाँ लगा दिया मैंने NH2, इसको करते हैं सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, ये वाला क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा, है ना, ये वाला क्वेश्चन। तो इसका नाम क्या होगा, आप बताओ मुझे क्या नाम होगा इसका, पहले बताओ ये प्राइमरी अमाइन है क्या, जैसे बिल्कुल सही बेटा, देखो नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास एक ही एल्काइल पार्ट लगा है ये, तो ये आपका जो एल्काइल पार्ट बच्चों कैसा है, आइसोप्रोपाइल है कि नहीं, अरे आपको समझ में आता है, इट इज आइसोप्रोपाइल। अगर इस CH3 को उठा के बच्चों स्ट्रेट कर दोगे ना, तो आइसोप्रोपाइल आपको दिख जाएगा, आपको फील हो जाएगा देखो आइसोप्रोपाइल है कि नहीं, बिल्कुल ऊपर वाला ग्रुप जो दिख रहा है ना, दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो इसका नाम बच्चों सीधा क्या हो जाएगा, दिस इज दी आइसोप्रोपाइल, हम डायरेक्ट नाम बोल रहे हैं आइसोप्रोपाइल अमाइन, ठीक है। आपको पता ही है मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको पढ़ा चुका हूं मैं, कॉमन नेम पढ़ाए थे, अरे कॉमन नेम पढ़ाए थे, अगर आपको याद होगा जहाँ पे हमने प्रीफिक्स और सफिक्स यूज किए थे, अरे प्रीफिक्स और सफिक्स यूज किए थे ना, बताओ बच्चों, हाँ हाँ, तो ये तो समझ में आ रहा है, बिल्कुल आराम से क्लियर हो रहा है। अब एक क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं चलो यहाँ पे अगर इसका आयोपिक नेम करता तो फिर क्या होता, तो आयोपिक नेम करने में तो कोई दिक्कत होती नहीं, आप इसको स्टेट लिख दो, आप इसको ना स्टेट लिख दो यहाँ पे CH3, बस अब इसकी नंबरिंग स्टार्ट करो। तो नंबरिंग बच्चों कैसे करी जाए, तो आपका जो NH2 होता है गिवन ऑप्शन, अगर ऑप्शन के अंदर उसने NH2 को, बिकॉज NH2 बहुत हायर प्रायोरिटी वाला तो फंक्शनल ग्रुप है नहीं, ठीक ठाक प्रायोरिटी है इसकी, अगर उसने NH2 को सब्स्टिट्यूएंट माना है तो वो वहां पे आपको अमीनो बोलेगा, और नंबरिंग के लिए आपको 1 2 3 बोल देगा ये कि भाई 3 कार्बन की चेन आपका प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है, सीधा प्रोपेन खत्म, और लगा देगा 2 अमीनो प्रोपेन। अगर इसको उसने अगर एज ए उसने हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप माना है तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो फिर जो नंबरिंग होगी वो आपकी कहां से स्टार्ट होगी, जहां पे फंक्शन ग्रुप लगा है वहीं से कराओगे ना 1 and 2, तो फिर ये क्या होगा, ये 1 पे मिथाइल हो जाएगा, आप पूरा समझना, तो ये चेन क्या हो जाएगी 2 कार्बन की, ये आपका एथ हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, एथेन हो जाएगा ना, एथेन 1 अमाइन हम लग सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन है कि 1 पे आपको फिर मिथाइल देना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए क्या करते हैं कि इसका जो कॉमन नेम है वो ज्यादा पॉपुलर होता है, इसलिए आइसोप्रोपाइल अमाइन से चीजें काफी आसान है, इसलिए आयोपेक ने बहुत सारे कंपाउंड्स के कॉमन नेम ही एज इट इज एक्सेप्ट किए हैं एज ए आयोपेक नेम, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है।
तो बहुत सारे कंपाउंड के कॉमन नेम ही बच्चों आयोपेक जो सिस्टम है जो ऑर्गेनाइजेशन उसने एजेजेस एक्सेप्ट किए हैं। तो आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, बताओ जल्दी से कैसे कैसे किया जाएगा। तो इसमें ना बच्चों दो ग्रुप बना लो, दो ग्रुप बना लो, एक ग्रुप तो ये हो जाएगा है तो अमाइन आखिर में, एक ग्रुप ये हो जाएगा, एक ग्रुप ये हो जाएगा, बात समझो इसमें। अब इसमें से आप नाइट्रोजन के इस साइड वाले पार्ट एल्काइल पार्ट को, नाइट्रोजन के इस साइड वाले एल्काइल पार्ट को आप बिल्कुल एज ए आयोपेक सिस्टम की तरह ट्रीट करो, कोई इसमें दिक्कत नहीं, एज ए आयोपेक सिस्टम पूरा ट्रीट करो। समझ में आ रही है मेरी बात? अरे आपको बात सबको क्लियर हो रही है? अच्छा, अब क्वेश्चन है बच्चों कि इसमें से हम नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग करते हैं नाइट्रोजन के पहले इधर, भाई ये तो फंक्शनल ग्रुप होगा ना, दिस नाइट्रोजन इज ए फंक्शनल ग्रुप, अमाइन होगा, तो वन इसको मान लेते हैं, टू इसको मान लेते हैं, थ्री इसको मान लेते हैं, इधर ध्यान दो। और एक बात और ध्यान रखना, हम प्रिंसिपल चेन इन दोनों एल्काइल पार्ट में से किसको मानेंगे, उसको मानेंगे जहां पे मैक्सिमम ऑफ कार्बन आपको मिल जाए, सब्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम मिल जाए। तो आप देखो इस साइड में आपको एक मिथाइल भी मिल गया और तीन कार्बन की चेन भी मिल गई, यहाँ पे वन टू टू की चेन है, कोई आपका सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है। तो इधर आपका ये कभी भी आपका यहाँ पे आपका ये प्रिंसिपल चेन आपकी पीसीसी नहीं हो सकती है, पीसीसी आपकी इधर वाली होगी। तो इसका नाम बच्चों क्या होगा, ध्यान से फोकस करते हैं, थ्री कार्बन आपको मिल गए हैं, थ्री का मतलब बेटा वर्ल्ड रूट हो जाएगा प्रॉप, ध्यान दो। और प्रॉप के बाद बच्चों क्या आएगा, ये नहीं आएगा भाई, सिंगल बॉन्ड से अटैच है। प्लस बच्चों यहाँ पे क्या आएगा भाई, बन पे लगाए अमाइन, आप लिख सकते हो बन पे अमाइन, कोई दिक्कत नहीं बनेगी, बिल्कुल सही है। अब उसके बाद आते हैं बच्चों कि यहाँ पे आपके कुछ वो भी देखें सब्स्टिट्यूएंट, तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये है जिसका नाम है बच्चों इथाइल, एक ये सब्स्टिट्यूएंट जिसका नाम है मिथाइल। तो इथाइल किस पे लगा है बच्चों, नाइट्रोजन से अटैच हुआ है, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे अल्फाबेटिकली एन के बाद आ जाएगा इथाइल, भाई एन से अटैच है ना, अरे अमाइन से अटैच है ना, तो एन पे हो जाएगा सीधा इथाइल। आपको समझ में आएगा कि जो अमाइन है उस अमाइन के नाइट्रोजन से अटैच है आपका इथाइल पार्ट, तो एन इथाइल, इथाइल बच्चों ई से स्टार्ट है, एन इथाइल, देन आपका यहाँ पे आ जाएगा टू मिथाइल, एन इथाइल टू मिथाइल, टू पे लगा ना मिथाइल, एन इथाइल टू मिथाइल प्रोपेन अमाइन, ये इसका आंसर होगा। अब समझ में आया, बताओ सभी लोग। नाइट्रोजन के दोनों सेट पार्ट को अच्छे से देख लो, जिसमें आपको लॉन्गेस्ट सिलेक्शन सिलेक्शन प्लस नंबर सिलेक्शन, जहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल जाए, ठीक है, इसके पास सब्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम हो जाए, फंक्शनल ग्रुप मैक्सिमम हो जाए, उसको आपको पीसीसी देना पड़ेगा, और दूसरी वाली साइड को आपको एडजस्ट सब्स्टिट्यूएंट देना पड़ेगा। अब ये बात समझ में आ रही है? तो ये बात क्लियर हो गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। एन इथाइल बेटा वो नाइट्रोजन से अटैच है, एन स्मॉल एन नहीं है, इट इज नॉट अ स्मॉल एन, वो स्मॉल एन नहीं है मित्रों, इसका ना उल्टा लिख के दिखाता हूँ। चलो मैंने आपको यहाँ पे लिखा, वही लिखा लिखता हूं मैं, मैंने लिखा एन इथाइल, ठीक है, टू पे मिथाइल, नाम लिख के दे रहा हूं, अब स्ट्रक्चर बना के देखो, उल्टा भी लिख के देता हूँ, ठीक है, प्रोपेन ई निकल जाएगा और आपका अमाइन, चलो मैंने ये लिख के दिया, ठीक है, ध्यान से देखो, बनाते हैं हम लोग इसका स्ट्रक्चर, कैसे बन सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। तो बेटा वर्ल्ड रूट पहचानो जल्दी से, वर्ड इज अ वर्ल्ड रूट, बेटा इथाइल तो आपका सब्स्टिट्यूएंट होता है, बायल लगा है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट होता है, बायल लगा है, ये प्रोप दिख रहा है, अलग से दिख रहा है, प्रोपेन दिख रहा है ना, प्रोपेन, दिस इज अ वर्ल्ड रूट, तो ये सब पहचानना आना चाहिए। थोड़ा थ्री कार्बन लिख लो आप, वन टू थ्री लिख लिए, हो गए प्रोप, सिंगल बॉन्ड से अटैच हो गए, ए नहीं, अमाइन लगा है, अमाइन अगर आपको लगा हुआ है उसके उसके सामने कोई अगर आपका डिजिट नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट वन पे होता है, वन लिखो ना लिखो उसका मतलब वन ही होता है, नहीं लिखा है तो वन, लिख दो तो भी वन, उसका मतलब वन ही होता है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अमाइन लगाना पड़ेगा, तो आप लगा लो यहाँ पे एन एच, कोई दिक्कत नहीं है, अपन एन लिख लो, आप एक लोन पेयर लगा लो, लोन पेयर तो रहेगा, बाकी कितने हाइड्रोजन होंगे वो देखेंगे बाद में। अब आ जाओ, ये पूरी कहानी हो गई, अब यहाँ पे आ जाओ, ये एन पे इथाइल लगा है, टू पे मिथाइल लगा है, एन पे इथाइल मतलब जो नाइट्रोजन है, इस एन का मतलब बेटा अमाइन, जो फंक्शन ग्रुप है उसका नाइट्रोजन है वो, तो एन के साथ बच्चों यहाँ पे क्या लगा लो, इथाइल, इथाइल का मतलब क्या होगा, सी एच टू एन सी एच थ्री, हो गया इथाइल, बात समझ में आ रही है। और क्या कोई एन से अगर यहाँ पे और लिखा होता ना कि एन इथाइल एन मिथाइल, तो एक मिथाइल और लगा लेते यहाँ पे, तो बट ऐसा लिखा ही नहीं है। और बेटा मैंने बताया ना तीन डिग्री होती है अमाइंस की, वन डिग्री जब नाइट्रोजन के साथ एक एल्काइल पैड लगा हो, जब दो एल्काइल पार्ट लगे हो तो सेकंड डिग्री होता है, तीन एल्काइल पार्ट लगे हो थर्ड डिग्री होता है, चार एल्काइल पार्ट नहीं होते क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है बाद में, स्पेशल केस होता है वो, ठीक है, यस। अभी यहाँ देखते हैं, तो बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लो, खत्म कहानी। अब टू पे बेटा लगा है आपका मिथाइल, टू पे इथाइल कहाँ पे, तो बेटा नंबरिंग करेंगे तो ये तो आपकी प्रिंसिपल चेन नहीं होगी, प्रिंसिपल चेन होगी ये वन टू थ्री, टू पे लगा लो आप यहाँ पे मिथाइल, हो गया देखो आंसर। अब समझ में आया क्या, अगर मैं यहाँ पे चेंज करके मैं चलो चेंज करता हूँ यहाँ पे, मैं आपसे चलो यहाँ पे लिख कर देता हूँ,
मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया CH3, अब बताओ अब क्या नाम होगा, फिर से दिमाग लगाओ, तो फिर हो जाएगा एन पे इथाइल, एन पे ही मिथाइल, समझ में आ रहा है, एन कॉमा एन भी लिख सकते हो, एन कॉमा एन इथाइल मिथाइल, या एन पे एन पे मिथाइल, एन पे इथाइल, एन पे मिथाइल, ठीक है। और बाकी आपका क्या होगा, वही प्रोपेन, और लास्ट में आपका, लास्ट में आपका अमाइन, बस इस मिथाइल को नाम और डाल देना, बस खत्म। अब समझ में आ गया सभी को, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब क्लियर हुआ सभी को, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दो, डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन, लोन पेयर बच्चों एक तो रहेगा, फाइव बैलेंसी होती है, आपको ये बिल्कुल पता होनी चाहिए अच्छे से। चलो इस कंपाउंड का नाम बताओ क्या होगा, जल्दी से, फिर चलते हैं हम लोग एल्डिहाइड की तरफ, बताओ इसका नाम क्या होगा। अभी मैं फंक्शन ग्रुप के साथ बच्चों डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ही ले रहा हूँ, मैं फंक्शन ग्रुप के साथ फंक्शन ग्रुप नहीं ले रहा हूँ, वो उसको बाद में अलग डिस्कस करेंगे, पहले ये बताओ क्या होगा इसका नाम। तो देखो बेटा, अभी जस्ट बताया था कि N के साथ अगर बच्चों R1, R2, R3 तीन एल्काइल पार्ट लगे हों तो वो थर्ड डिग्री अमाइन होता है, ऑब्वियसली थर्ड डिग्री अमाइन दे रखा है, बिकॉज एक यहाँ पे है एल्काइल पार्ट, ये एल्काइल पार्ट है, ये एल्काइल पार्ट है, तीन तीन एल्काइल पार्ट है, तो आपका थर्ड डिग्री अमाइन होगा। अगर बच्चों सिर्फ दो ही एल्काइल पार्ट लगे हों, एक हाइड्रोजन हो, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंड डिग्री अमाइन। अगर एक एल्काइल पार्ट को आपने ऑल निकाल देना है, यहाँ पे बच्चों लगा लो हाइड्रोजन, तो अभी हो जाएगा वन डिग्री अमाइन। और बेटा इसको भी बाहर निकाल दो, ये साफ R3 पार्ट को फिर से लगा लो हाइड्रोजन, तो हो जाता है अमोनिया NH3। अब समझ में आ रहा है, बिल्कुल। चलो देखो बेटा इसका नाम क्या होगा, बताओ जल्दी से, यस। अब इसमें से यही देखो बेटा, इसमें से आपका दोनों साइड, एक तो चेन आपकी इधर है, तो ये तो बच्चों वर्ल्ड आउट हो नहीं सकता ना, वन सेकेंड, ये तो वर्ल्ड आउट हो ही नहीं सकता ना, एक कार्बन कैसे वर्ल्ड आउट हो सकता है, नहीं इधर वर्ल्ड आउट नहीं मिलेगा, इधर चेक करेंगे तो ये 1.2 मिलेगा, यहाँ चेक करेंगे ये 1.2, तो मुझे बताओ मैं बर्ड आउट किसको मानू बेटा, जहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है उसकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है, खत्म कहानी, ये बर्ड आउट हो जाएगा, 1.2 जो लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा ये बर्ड आउट हो गया, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब बेटा इसके स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे जरा फोकस करो कि नो डाउट इट इज ए अमाइन, ये अमाइन है आपका, लेकिन वर्ल्ड आउट बच्चों क्या होगा, वो एथ हो जाएगा। अरे वर्ल्ड आउट तो दो ही कार्बन का एथ हो जाएगा ना, और प्लस बच्चों यहाँ पे ENE है, तो ENE लगा लो आप, नेचर ऑफ ये वर्ल्ड आउट हो गया, ये वन डिग्री सब फिक्स हो गया। अब आते हैं बच्चों हम सेकंड डिग्री सब फंक्शनल ग्रुप क्या है, वो आपका अमाइन है, लगा लो, वन पे है थोड़ा है तो कोई मतलब भी नहीं है, वन अमाइन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हो गया ये वन डिग्री सब फिक्स हो गया, सेकंड डिग्री सब फिक्स हो गया। अब आते हैं हम वन डिग्री प्रीफिक्स रिंग तो है नहीं, अब आते हैं सेकंड डिग्री प्रीफिक्स, वो बच्चों कहता सब्स्टिट्यूएंट, तो दो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास बचेंगे, कौन कौन से बचेंगे, ये एन पे लगा होगा मिथाइल, एन पे लगा होगा आपका ये मिथाइल, और ये एन पे लगा होगा आइसोप्रोपाइल। देखो ना आइसोप्रोपाइल आप यूज कर सकते हो आयोपैक के अंदर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप सिंपल नाम करोगे चेन करके 1, 2, 3 करके तो भी आप लिख सकते हो, है ना, सेकेंडरी करके बोल सकते हो ना, आपको पढ़ाया ना मैंने इस तरीके से, इस पे फ्री बैलेंसी है तो आपका ये कार्बन कैसे, ये वन डिग्री है, ये वन डिग्री है, ये सेकेंड डिग्री है, तो सेकेंड डिग्री आपका हो जाएगा ना, ये सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रोपाइल बोल सकते हैं इसको, बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पे देखो तो इसको आइसोप्रोपाइल हम सीधा बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, आइसोप्रोपाइल आपकी आयोपैक ने एक्सेप्ट किया तो कोई दिक्कत नहीं। अब आइसोप्रोपाइल बच्चों आई से स्टार्ट है, और अब ये भी बात है ना कि आइसोप्रोपाइल में आई हमें काउंट करना होगा अल्फाबेट में, आपको मैंने बोला था कि डाई डाई टेट्रा काउंट नहीं करते हैं, इसको तो काउंट करते ही है ना अल्फाबेट के साथ, यस ये आई है ये एम है, तो बच्चों एन से अमाइंस के एन से नाइट्रोजन से अटैच है आपका आइसोप्रोपाइल, तो एन आइसोप्रोपाइल, और बच्चों एन पे ही अटैच है आपका पिथाइल। अब बात समझ में आ रही है, तो एन आइसोप्रोपाइल एन मिथाइल आपका इथिन हो जाएगा, और लास्ट में आपका अमाइन, कोई दिक्कत किसी को, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम लोग एल्डिहाइड, नेक्स्ट बच्चों फंक्शन ग्रुप आएगा आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए बच्चों हम लोग सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स जो यूज करते हैं वो क्या होता है, फॉर्माइल, आपको डिस्कस किया है पहले भी, या फिर इसको बच्चों हम लोग ऑक्सो भी बहुत बार यूज करते हैं, फॉर्माइल या फिर ऑक्सो, है ना, दोनों को आपके एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं। सफिक्स बच्चों क्या होगा, सेकेंड डिग्री सफिक्स बच्चों क्या होगा, सेकेंड डिग्री सफिक्स आप अल लगा सकते हो, या फिर आप स्पेशल जो आपका सफिक्स है, स्पेशल सफिक्स है उसको हम बोलते हैं कार्बल्डिहाइड। अब एक बात सुनना ध्यान से, कार्बल्डिहाइड बच्चों हम तभी यूज करेंगे जब आपका कार्बन, जब आपका कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन में काउंट ना किया जाए, मेरी बात सुन लो ध्यान से बेटा, कार्बल्डिहाइड में कार्बन इंक्लूड है, कार्बल्डिहाइड के अंदर कार्ब प्लस एल्डिहाइड है, मतलब कार्बन इंक्लूड है उस एल्डिहाइड का,
तो ये कार्बन आपको दे रखा है, ध्यान दे देखो, ये कार्बन जो दे रखा है ये कार्बन इंक्लूड है इसमें, और कार्बोहाइड्रेट उसने ऑप्शंस में दे दिया है। तो आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि उस कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप का जो एल्डिहाइड वाला जो सेक्शन फंक्शन ग्रुप है उसका कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन में काउंट नहीं है, उसको स्पेशल तरीके से कार्बोहाइड्रेट बोल दिया गया है, खत्म कहानी। समझ में आ गया? और अगर बच्चों ने सिर्फ अल बोला है, अगर ऑप्शंस में अल लिखा हुआ, तो अल लिखने का मतलब है कि जो एल्डिहाइड का जो कार्बन है वो आपका प्रिंसिपल कार्बन चेन में काउंट किया गया है। अब ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ जल्दी से। एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आ जाएगा अच्छे से। एग्जाम्पल लेते हैं। यस, एग्जाम्पल लिया बच्चों मेरा यहाँ पे, यस, यहाँ पे सी एच ओ पार्ट सॉल्व करो। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लिया बच्चों मैंने कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपका सी एच ओ है, एक सी एच ओ पार्ट यहाँ पे है, सी एच ओ क्लोरीन ब्रोमीन, यहाँ डबल बॉन्ड है। चलो इसको सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपका एल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड यहाँ पे है, डबल बॉन्ड, एंड नाउ दिस इज ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ठीक है, एंड एल्डिहाइड। ओके, थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ पे। चलो सी एच ओ पार्ट लिया, देन इसके बाद बच्चों सी एच ओ पहले यहाँ लगाया एक, देन इसके बाद यहाँ पे है सी टू एच फाइव, एंड नाउ दिस इज एल्डिहाइड। ठीक है, चलो ये चार और चार मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, चारों के आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट का बेटा आंसर देखते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन का है ना क्या होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे, फर्स्ट वाला तो आंसर है कार्बोहाइड्रेट। ओम बिल्कुल सही, आप कार्बोहाइड्रेट यूज कर दोगे तो फिर आपका एक कार्बन कम बैठ जाएगा, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ध्यान दो, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट यूज किया है तो आपने कार्बन यूज नहीं किया होगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूसरा भी अल वाला भी देखो है ना, उसको भी करके देखो, दोनों करके देखो। तो देखो सबसे पहले मैं अल वाला बताता हूँ, तो मुझे बताओ बच्चों कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इस पूरे गिवन कंपाउंड में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, बताओ। कहां से मैं स्टार्ट करूं नंबरिंग में, वहां से स्टार्ट करूंगा। सुन लो बच्चों, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो उन्हीं के ही कार्बन से स्टार्ट किया जाता है। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाते हैं तो उसके ही कार्बन से स्टार्ट करना पड़ता है, मतलब ये वन हो जाएगा, टू यहाँ पे हो जाएगा। अब थ्री में क्या इधर दू, नहीं, थ्री में डबल बॉन्ड यहाँ पे मिल गया, बहुत अच्छी बात है, थ्री में इधर जाऊंगा ही नहीं क्योंकि वहां पे सब सिंगल बॉन्ड वाली कहानी है। ये हो गया बच्चों यहाँ पे आपका प्रिंसिपल कार्बन चेन, नंबरिंग भी मैंने बता दिया आपको। अब इसके बाद जल्दी से बताओ बेटा इसका नेम, तो नेम तो आसान है, फोर कार्बन है, फोर का मतलब बच्चों हो जाएगा यहाँ पे आपका ब्यूट, फोर का मतलब क्या होता है ब्यूट, तो ब्यूट हो जाएगा। बाकी बच्चों थ्री पे लगा है ई लिख लो, और प्लस आपका लास्ट में वन पे आप लिख लो यहाँ पे अल, एल्डिहाइड वन पे लगा है, ये भी बात बिल्कुल ठीक ठाक हो गई है। और उसके बाद आप वन लिखो या ना लिखो, बाई डिफॉल्ट वन होता है। और बच्चों इसके बाद आते हैं सार, हो गया बनडिग्री, सफिक्स हो गया सब कुछ, अब प्रीफिक्स रिंग तो है नहीं, सेकंड डिग्री प्रीफिक्स पे हो, तो बच्चों ये क्या दे रखा है प्रोपाइल थ्री कार्बन का, किस पे लगा है सेकंड कार्बन के साथ, तो टू पे हो जाएगा आपका प्रोपाइल। क्या बात समझ में आई, टू प्रोपाइल ब्यूट थ्री इन ऑल वन पे ऑल, आसान है, बताओ सभी लोग क्लियर। कार्बोहाइड्रेट बच्चों हम ना मैक्सिमम केस में वहां लगाते हैं जब एक से अधिक आपके एल्डिहाइड प्रेजेंट हो जाए, तो उस केस में हम कार्बोहाइड्रेट भी हम बहुत बार वहां पे यूज कर लेते हैं, उस तरीके से देखेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देखना है, ये इसका आंसर बताना है, बताओ बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, दो एल्डिहाइड दिए मैंने, क्या होगा इधर से नंबरिंग करी जाए, सोच लो समझ लो अच्छे से। Yes. से बेटा नंबरिंग करी जाए, देखते हैं। अगर मान कर चलो बेटा, अब ये एक बात ध्यान रखना कि आपने सपोज, हाँ, राइट साइड से आप बोल रहे हो, ठीक है, आपने सपोज नंबरिंग यहां से स्टार्ट करी वन से, ध्यान दो भाई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग तो आपको वहीं से स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, बाकी किसी कार्बन से आप नहीं कर सकते हो, ये बात समझ लो भाई। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ना, फिर मल्टीपल बॉन्ड आते हैं ना, फिर सब्स्टिट्यूएंट आता है, आप किसी और कार्बन से नहीं कर सकते हो। अगर किसी भी गिवन कंपाउंड के अंदर अगर आपको कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप दे रखे हैं, आपको उसी के कार्बन से करना पड़ेगा,
जो आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप होगा, तो मतलब वन आप इसको एक बार दे सकते हो, टू आप यहाँ पे लिख लो, थ्री आप कहाँ पे लिख सकते हो, इस पोजिशन पे, फोर यहाँ पे हो जाएगा, फाइव यहाँ पे हो जाएगा। अब सुनना, फाइव बहुत बच्चे यहाँ कर सकते हैं, गलत हो जाएगा भाई। वहाँ फाइव पे डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड से पहले प्रायोरिटी आपकी किसकी होती है, फंक्शन ग्रुप की। आपको इधर मूव करना पड़ेगा उस कार्बन की तरह, एक तो ये हो सकता है। अच्छा, अब जब मैं इधर से मूव किया तो आपको वन टू, टू पे मिथाइल मिल गया, सब्सटिट्यूएंट मिल गया, थ्री पे आपको ये मिल गया। अच्छा, मैं दूसरी तरफ से करना स्टार्ट करता हूँ, ध्यान दो, मैं इधर से भी तो कर सकता हूँ, ये भी तो चांस हो सकता है कि मैंने इधर से स्टार्ट किया, ये वन हो गया, ये टू हो गया, मैंने इधर से ये वन हो गया, ये टू हो गया। अब सोचो बच्चों ध्यान से कि यहाँ पे टू पे क्या लगा है, टू पे सिर्फ आपका यहाँ पे मिथाइल लगा है, और यहाँ पे टू पे क्या लगा है, पूरा बिनाइल सेक्शन लगा हुआ है, बिल्कुल समझो बात। यहाँ से ये थ्री, इधर से आऊंगा तो थ्री ये मिलेगा, तो थ्री थ्री पे ब्रोमो, तो ब्रोमो विल नॉट डिसाइड द कि बेटा किधर से हम चलें, ब्रोमीन डिसाइड नहीं करने वाला। अब यहाँ से गाड़ी फंस गई कि मैं मिथाइल की तरफ शिफ्ट करूँ, कि मैं यहाँ पे जो आपका एथेनाइल जो होगा, एथेनाइल जो होगा, हम किसकी तरफ शिफ्ट करें, तो नाउ वी विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पर डिसाइड करोगे जल्दी बताओ मुझे। आप सीधा भी अभी बोल सकते हो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है सर एज कम्पेयर टू वो, लेकिन सेकंड कार्बन में थोड़ी डबल बॉन्ड लगा है, सेकंड कार्बन में थोड़ी डबल बॉन्ड लगा है, सेकंड कार्बन पे जो सब्सटिट्यूएंट है, ये बच्चों स्टार्ट किससे होता है, एथेनाइल से, ध्यान दो, और ये किससे, मिथाइल से स्टार्ट है, तो ई पहले आता है। मेरी आवाज समझ में आ रही है, दो सब्सटिट्यूएंट सेम जगह पे आ जाए, ठीक है, तो वहां पे अल्फाबेट के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये एथाइल और वो आपका मिथाइल। अगर आपने इसको बिनाइल बोला होता, बिनाइल बोला होता, तो आपको यहाँ पे इसको पहले लेना पड़ता, तो नंबरिंग भी इधर से जाती, ये बात आपको बिल्कुल समझ के रखनी पड़ेगी अच्छे से। तो गिवन ऑप्शन के अंदर अगर वो मिथाइल लिखेगा तो आपको वैसे जाना पड़ेगा, अगर वो सिर्फ यहाँ पे एथेनाइल लिख के देता है तो फिर आपको इधर से मूव करना पड़ेगा। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, आप इधर से नंबरिंग कर लो, तो वन टू थ्री, यहाँ से फोर, ये फाइव, बिल्कुल सही, कोई डाउट किसी को, बिल्कुल नहीं। अब आप कर सकते हो बच्चों, फाइव कार्बन का मतलब क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ मुझे, पेंट हो जाएगा, अरे फाइव का मतलब पेंट हो जाएगा, सारी सिंगल बॉन्ड से अटैच है कार्बन कार्बन, तो एन ही हो जाएगा। लास्ट में बच्चों हम डाई अल लिख सकते हैं, अल की पोजीशन बच्चों भी आप लिख सकते हो, वन कॉमा फाइव, वन कॉमा फाइव भाई, वन कॉमा फाइव डाई अल, वन कॉमा फाइव डाई अल, ये बात समझ में आ गई। अब बेटा आ जाओ आप, ये देखो, अब आओ बंडगरी परफेक्ट, रिंग तो है नहीं, बाकी सब्सटिट्यूएंट, एक सब्सटिट्यूएंट ये है, एक सब्सटिट्यूएंट ये है, ये बच्चों मैथ इनाइल होगा और आपका ये क्या होगा, मिथाइल होगा। अब कर लोगे एथेनाइल से तो बेटा यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो फिर आपका देखो ब्रोमो भी है ना, ये ब्रोमीन भी दे रखा है, तो ब्रोमीन भी से स्टार्ट हो तो वो पहले आएगा, थ्री पे ब्रोमो हो जाएगा और टू पे आपका एथ इन आइल हो जाएगा और फोर पे आपका मिथाइल हो जाएगा, वो इसका कंप्लीट नाम होगा। अब ये बात समझ में आ गई, चलो तो ये दो क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क के लिए है, आप इनको ट्राई करना, नहीं बनेगा तो मैं इसके साथ आपको डिस्कशन करूंगा, ठीक है बच्चों, थैंक यू।